Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 12 in your English grammar book. The topic is here common errors. Students, in the previous classes, we have already studied about the errors in the use of nouns and about the errors in the use of pronouns. Okay? Today in this class, we are going to study about the errors in the use of adjectives. Okay? So students, let's open page number 77 in your English grammar book. See here, there is number 3, errors in the use of adjectives. Okay, किसी sentence में adjectives को use करने के time कौन सी errors बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और correct adjective कैसे use करना है उसको भी पढ़ना है. ठीक है, there are incorrect sentences given and there are correct sentences given. Okay, number 1, she did not eat many bread. Okay, here many is the adjective and this adjective many is used in a wrong way. ठीक है, इस sentence में many एक adjective है जो कि wrong way में गलत तरीके से use हुआ है. The correct one is number 1, she did not eat much bread. Okay, much is the adjective and it is used in correct way in this sentence. ठीक है, much एक adjective है जो कि करेक्ट वे में इस सेंटेंस में यूज हुई है. नंबर 2, राम एट स्मॉल हनी. ओके, इन दिस सेंटेंस स्मॉल इज द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड इन रॉन्ग वे. ठीक है, स्मॉल इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है जो कि गलत तरीके से यूज हुआ है. द करेक्ट वन इज नंबर 2, राम एट अ लिटिल हनी. अ लिटिल इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस और ये एडजेक्टिव अ लिटिल करेक्टली इस सेंटेंस में यूज हुई है. नंबर 3, एवरी मैन आर मॉडल. ओके, इन दिस सेंटेंस एवरी इज द एडजेक्टिव और ये जो एडजेक्टिव है एवरी ये रॉन्ग वे में यूज हुआ है इस सेंटेंस में. द करेक्ट वन इज नंबर 3, ऑल मैन आर मॉडल. ओके, ऑल इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस जो कि करेक्ट वे में यूज हुआ है इस सेंटेंस में. नंबर 4, much men are poor. ठीक है, इन दिस सेंटेंस much इज द एडजेक्टिव एंड इट इज यूज्ड इन रॉन्ग वे इन दिस सेंटेंस. द करेक्ट वन इज नंबर 4, many men are poor. ठीक है, many इज द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड इन करेक्ट वे इन दिस सेंटेंस. नंबर 5, little men are rich. इन दिस सेंटेंस little इज द एडजेक्टिव जो कि रॉन्ग वे में इस सेंटेंस में यूज हुई है. द करेक्ट वन इज नंबर 5, फ्यू मेन आर रिच. फ्यू इज द एडजेक्टिव जो कि करेक्ट वे में इस सेंटेंस में यूज हुई है. नंबर 6, योर अंकल शुड टेक नो साइड. ओके, हियर इन दिस सेंटेंस नो इज यूज्ड इन एन इनकरेक्ट वे. द करेक्ट वन इज योर अंकल शुड टेक नाइदर साइड. ओके, सो इस सेंटेंस में नाइदर करेक्टली यूज हुई है. नंबर 7, टेक द मेडिसिन इच 4 आवर्स. इस सेंटेंस में इच एडजेक्टिव जो कि इनकरेक्टली यूज हुआ है. द करेक्ट वन इज नंबर 7, टेक द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स. है ना, एवरी इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस जो कि करेक्टली इस सेंटेंस में यूज हुई है. नंबर 8, वट बुक डू यू लाइक द बेस्ट. ओके, वट इज यूज इन एन इनकरेक्ट वे इन दिस सेंटेंस. द करेक्ट वन इज नंबर 8, विच बुक डू यू लाइक द बेस्ट. हियर विच इज यूज इन अ करेक्ट वे. ठीक है, देखो इनकरेक्ट सेंटेंस ये है नंबर 8 में, वट बुक डू यू लाइक द बेस्ट. है ना, ये जो व्हाट है ये इनकरेक्टली यूज हुआ है और देखो इधर व्हिच यूज हुआ है. व्हिच बुक डू यू लाइक द बेस्ट. है ना, जब एक ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना होता है तब कभी व्हाट नहीं यूज होती है, व्हिच हमेशा यूज होता है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है. नंबर 9,
Which nonsense this is? Either which is used in a wrong way in this sentence. Number 9, the correct one is what nonsense this is. Here what is used in a correct way. In a correct way. ठीक है. Number 10, buses pass my house each hour. Each adjective है जो कि wrong way में use हुआ है. The correct is number 10, buses pass my house every hour. Every is the adjective जो कि sentence में correctly use हुई है. Number 11, Sita is beautiful than Radha. ये सेंटेंस जो है इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि गलत तरीके से यूज हुआ है. द करेक्ट वन इज नंबर 11, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा. है ना, मोर ब्यूटीफुल इज द कंपैरेटिव फॉर्म और उसके साथ देन यूज हुआ है, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है. और ये सेंटेंस रॉन्ग इसीलिए है कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसके साथ देन यूज हुआ है जो कि कॉम्परेटिव फॉर्म में यूज होती है, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट द एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स प्रॉपरली. एंड इन द नेक्स्ट पेज देयर आर ऑल्सो सम एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली. ओके, एंड सो you have to study to this portion about the use of adjectives. In the next class we will study number 4 about the errors in the use of articles. Okay.